हेलो दोस्तों, लास्ट वीक में गौतम का हमने ट्रायल रन लिया था, उस समय इसका टाइम आया था 27:20। आज हम लोग फिर से ट्रायल ले रहे हैं। आज बारिश होने के कारण थोड़ा सा हम लोग का ग्राउंड खराब हो गया है, पर पूरा कोशिश करेंगे कि अपना टाइम को बेटर करने का। अब देखते हैं कि हम लोगों का रनिंग खत्म होने के बाद क्या टाइम आता है, और किलोमीटर बाय किलोमीटर आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे हम लोग पर किलोमीटर में क्या टाइम चल रहा है। तो गौतम रेडी हो? चलिए 1 2 3 गो। हेलो दोस्तों, गौतम जो गुजरात से मेरे पास आज से 3 सप्ताह पहले आया था, ये स्टार्टिंग में 5 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाता था। इसे मैंने अपने गाइडेंस के अंदर में इस तरह से ट्रेन किया है कि पिछला वीक जो इसका फर्स्ट ट्रायल था उसमें गौतम ने 27:20 मिनट का टाइम निकाला था, और आज हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आज उससे भी बेटर टाइम निकालें, क्योंकि हमारा SSC GD का दौड़ में अब ज़्यादा दिन बचा हुआ नहीं है, लिमिटेड समय है। तो हम लोगों को वीक बाय वीक अपना टाइम को ड्रॉप करना है ताकि हम लोग अपना टारगेट गोल तक पहुंच सकें, और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं और इनका टाइम को ड्रॉप करने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, पहला किलोमीटर कंप्लीट हो गया है, टाइम लगा है 5 मिनट। तो दोस्तों, जैसे आप लोगों ने देखा कि 1 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने और 5 मिनट का टाइम लगा है। देखिए, इस तरह से एक बिगनर लड़के को 1 किलोमीटर को 5 मिनट कंप्लीट करने में काफ़ी तकलीफें आती हैं, पर अगर आप सही गाइडेंस, प्रॉपर ट्रेनिंग प्लान को फॉलो करते हो तो आपका भी टाइम अच्छा ड्रॉप करेगा। ट्रेनिंग प्लान को लेकर के मैंने कई सारे वीडियो बनाया है, वीकली शेड्यूल बना करके रखा है। जो भी लड़के जिस भी लेवल पे हैं उन सब प्रोग्राम को फॉलो करके अपना टाइमिंग को बेटर कर सकते हैं। मैं अपने गाइडेंस में अपने स्टूडेंट्स को रन करवाता हूं, मैं लिमिटेड लोगों पे काम करता हूं। अगर आप मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह का ट्रेनिंग देता हूँ। हेलो दोस्तों, 2 किलोमीटर कंप्लीट होने वाला है और 2 किलोमीटर का टाइम लगा है 10:13। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने 2 किलोमीटर को काफ़ी आराम से कंप्लीट कर लिया है, और अगर आप नोटिस करोगे तो हम लोग एक रिदम को फॉलो करके दौड़ रहे हैं। बहुत से लड़के गलती क्या करते हैं कि शुरू में बहुत ही तेज़ भाग जाते हैं, जिसके कारण उन लोगों का हार्ट रेट बहुत हाई हो जाता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगता है, गला सूखने लगता है, पेट के साइड में दर्द करने लगता है, यहाँ तक कि सिन पेन, नी पेन और क्रैम्प वगैरह आने का डर होता है। तो स्टार्टिंग में बिल्कुल भी आप लोग पैनिक नहीं करें, स्लोली स्लोली बढ़ें, एक पेस को मेंटेन करके रन करें। कभी भी बिना पेस ट्रैकिंग का नहीं रन करें। पेस ट्रैक करने के लिए आप कोई अच्छा एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो स्टॉप वॉच के थ्रू अपना टाइम को मेजर करके आप रन कर सकते हैं, ताकि आप लोग एक सही रिदम पे दौड़ सकें। हेलो दोस्तों, 3 किलोमीटर कंप्लीट हो गया है और टाइम लगा है 15:20। दोस्तों, हम लोगों ने 3 किलोमीटर को 15.5 मिनट के अंदर में कंप्लीट कर लिया है। देखिए कितना स्मूथ रन कर रहा है गौतम। ये लड़का का वेट भी ज़्यादा है, मुझे 2-3 तरीके का इस लड़के पे काम करना पड़ रहा है। स्टार्टिंग में ये तो 5 किलोमीटर नहीं दौड़ पाता था, मैंने सबसे पहले से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करवाया, उसके बाद इसका वेट पर भी काम कर रहा हूँ ताकि इसका वेट कम हो, और तीसरा इसका जो डिजायर्ड टाइम है SSC GD का 24 मिनट्स, उसको भी कंप्लीट कराना है। तो मैं 3 प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। हेलो दोस्तों, 4 किलोमीटर कंप्लीट हो गया है और टाइम लगा है 27:20:27। तो दोस्तों, जैसे आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने 4 किलोमीटर को 20.5 मिनट के अंदर में कंप्लीट कर लिया है। कितना आसानी से हम लोगों ने बहुत ही सिस्टमेटिक ऑर्डर पे रन करके ये सब चीज़ किया है। अगर आप मुझसे ट्रेनिंग लोगे
ऑफलाइन ट्रेनिंग लोगे तो मैं इसी तरह से आप लोगों को अपने साथ में रन करवाऊंगा। मैं सिर्फ लिमिटेड लोगों पे काम करता हूं ताकि सब लोगों का अच्छा तरीके से उन लोगों रिजल्ट हो सके। और मैं गौतम को बीच बीच में गाइड कर रहा था, मोटिवेट कर रहा था ताकि वो अपना टाइम को अचीव कर सके। और हम लोग एक प्रॉपर टाइम को टारगेट लेकर के बढ़ रहे हैं और वीक बाय वीक उसे कम करते हुए जा रहे हैं। तो देखते हैं हम लोगों का अभी क्या टाइम आता है 5 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद में। पांच किलोमीटर 25 मिनट 25 सेकंड। हेलो दोस्तों, आज गौतम का सेकंड ट्रायल रन था। खुश रहो बाबू। पहला ट्रायल में पिछला वीक में इसका जो ट्रायल लिए थे उसमें इसका टाइम आया था 27 मिनट 20 सेकंड। और आज इसका ट्रायल लिए हैं, टाइम देखिए इसका आ गया है 25 मिनट 25 सेकंड। 2 मिनट का ड्रॉप इस लड़के का हुआ है सिर्फ एक सप्ताह में। ये जब मेरे पास आया था, 3 सप्ताह हो रहे हैं तुमको, 3 सप्ताह पहले ये 5 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाता था, आप सोचिए। और इसका वेट भी ज़्यादा है, आप लोग देख रहे होंगे वेट भी ज़्यादा है इनका। तो अगर आप लोग सही तरीके से तैयारी करोगे तो आप लोगों का भी टाइम ड्रॉप करेगा। तो सबसे पहले तो आप अपना बेस बिल्डिंग में काम कीजिए, उसके बाद भी स्पीड में काम कीजिए। और हिम्मत बिल्कुल मत हारिए, अभी भी आप लोगों के पास अच्छा खासा समय है। वीक बाय वीक अपना टाइम को ड्रॉप करने की कोशिश कीजिए, आप लोगों को भी जरूर सफलता मिलेगा। और जो लोग मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, यूपी पुलिस का ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग में स्टार्ट कर दिया हूँ, अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इस नंबर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को हम लोग का इस तरह का जेन्युइन कॉन्टेंट पसंद आता है तो गौतम के लिए एक लाइक जरूर दीजिएगा। लड़के ने बहुत मेहनत किया है, एक सप्ताह में 2 मिनट कम किया है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इस तरह का ऑनेस्ट कॉन्टेंट सबको मिल सके। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद।